होता है बता रहा, पेट में कहाँ दर्द होता है बता देते, पूरे पेट में दर्द होता है। अच्छा तो जब आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, डॉक्टर क्या बता रहा, कहाँ पथरी बता रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पथरी बता रहा, जो दुकान के यहाँ दर्द हो गए, फिर छाती पूरी जकड़न हो जाती है पूरे शरीर में, यहाँ दर्द हो गए पूरे शरीर में जकड़न हो जाती है छाती में, फिर पीछे तक चले जाता है। अच्छा पीछे तक चला जाता है, फिर डॉक्टर क्या कहता है, अल्ट्रासाउंड कराओ, तो पथरी, ये मेरे सामने खड़ी है, इसको मैं यहाँ अपने पास 24 घंटे रखता हूँ, अगर 24 घंटे में इसको थोड़ा सा भी दर्द हो जाए और मेरी भूख मारने से ना जाए तो मैं मान लूंगा पथरी है। आगे एक बात समझो, प्रत्येक शरीर में पथरी रमी हुई है, लेकिन जब तक वो टूट के अलग नहीं जाती, अलग हिस्सा नहीं होते या अपने स्थान से खिसक नहीं जाती, तब तक दर्द नहीं होता। एक बात, दर्द होता है तब वो जिस नए स्थान पे जाती है तब वहाँ 3 दिन जाके वो रुकती है, तब वो या तो स्थिर हो जाती है या बाथरूम के रास्ते निकल जाती है। अगर वो स्थिर हो गई तो 2 दिन बाद दर्द बंद हो जाएगा, 3 दिन बाद। अगर स्थिर नहीं हुई तो दर्द पानी के बाहर आ जाएगी, मूत्र के रास्ते, ठीक है ना, मूत्र के साथ। और अगर फिर भी नहीं हुआ दर्द बंद तो मैं कह सकता हूँ इसका अल्ट्रासाउंड होगा, वरना नहीं इसका ऑपरेशन होगा। छोटी लड़की को जो ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, अपने लोभ में, अपने लालच में बताया, कैसे, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कौन से हॉस्पिटल में दिखाया था, शिवम हॉस्पिटल में, सेक्टर 16 रोहिणी। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में, शिवम हॉस्पिटल सेक्टर, सेक्टर 16 रोहिणी। क्या बताया डॉक्टर ने, डॉक्टर ने बताया कि इनके 4 mm की पथरी है, उसमें पित्त में 2-3 बताई है। पथरी सभी की होती है, किसी भी शरीर में पथरी है, ठीक है ना। अब प्रेत भी सभी शरीरों में, आंख बंद करके महसूस कर फूंक कहां लगी, प्रेत भी सब शरीरों में है, प्रेत कहीं कहीं बैठ के दर्द करता है, डॉक्टर उसका चेकअप करता है, ठीक है ना। तब उसको अल्ट्रासाउंड में पथरी दिखाई देती है, तब वो कहता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब वो पथरी निकाल देता है, फिर भी दर्द रहता है, बता क्या करे, फिर कहां लगी, हां पूरी बॉडी में लगी, और पहली भूख इसको पेट में लगी, इसलिए जो डॉक्टर कह रहा है वो गलत कह रहा है। मैं अपने लेटर हेड पे, लेटर पैड पे, श्री धाम मनु भैया जी ट्रस्ट के पैड पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर इस लड़की को पथरी है, पथरी का दर्द है और उसका डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके बाद भी इसको दर्द रहेगा, ये लिख के दे सकता हूँ। दूसरा ये लिख के दे सकता हूँ कि ये कदापि ठीक नहीं हो सकती डॉक्टरों से, क्योंकि इस लड़की को प्रेत बाधा है, इसकी पूरी बॉडी में भूख लगी है। अब डॉक्टर अगर इसका ऑपरेशन करता है तो केवल पैसे के लोभ में करता है और किसी लोभ में करता नहीं है। जा, इतनी बात तुझे मनु भैया के अलावा संसार में बताने वाला कोई नहीं है। हाँ समझ गए, अब बता दे तू मेरे सामने खड़ी है लड़की दर्द का है, बता तू, चलो आज।